हीरा, तुम अगर चाहे तो बने धूल हीरा, और तुम जो ना चाहे तो फिर हीरा भी धूल हो जाए। बिल्कुल सही है। हे माता रानी, आपके दरबार में तमाम भक्त आते हैं, कोई बनाने वाले हो तो भैया भैया श्रद्धा का दीपक बना प्रेम पाती। जय हो दादा। संतोष दादा जी, प्रार्थना कर रहा हूं, वंदन गीत है और इस वंदन गीत को भी सुनिएगा। श्रद्धा का दीपक बना प्रेम पाती मन में मन है आपके चरण है। बस मैं चाहता क्या हूं, क्या मन में मन है आपके चरण है, चरण रज को पाने को जी चाहता। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपके चरणों में रज मुझे मिल जाएगी मेरे पास सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, मुझे सुख मिल जाएगा। इसलिए मां क्या मन में मन है आपके चरण है, चरण रज को पाने को चाहता। मां तू जग की है मैया, तू मेरी भी मैया, तू जग की है मैया को कहते हैं जय जय पूजने हमारी माता जी, आपके चरणों से इस बालक को, अपने इस बच्चे को क्या प्राप्त रहे, आपने आशीर्वाद स्वरूप इस नाची को भेजते हैं। मैं आपके श्री चरणों में हृदय से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से 15 साल पहले जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है, 15 साल पहले वो माँ मुझे छोड़ करके चली गई। बस आप एक मुद्राएं हमारे बड़े भैया आप बजाते रहो, हमारे शर्मा जी और काले जी बैठे हैं, चिंता सब हुआ। बिल्कुल हेमा, मैं भी चाहता हूँ क्या कि आपके मंदिर का निर्माण करा दूं। मैं भी चाहता हूँ कि आपके मंदिर का निर्माण करा दूं, लेकिन समस्या ये है कि मेरे पास जमीन नहीं है। मेरे पास जमीन नहीं है, क्योंकि कहीं देखा जाए तो पहली बात यह है कि व्यक्तियों के द्वारा अगर कहीं सरकारी जमीन है तो वो उस पर कब्जा कर लेते हैं, और जो शेष बची है तो कहीं वन विभाग की होती है, कहीं मिलिट्री की होती है। जो मेरी सांसें चल रही हैं, इन सांसों की तरह सीढ़ियां मैं बनाऊं।
आपका मंदिर होगा। और मन के तुम्हार बस दर पे बुलाने को जी चाहता और कुछ तो मुझे इज्जत हुई है। मैं आदरणीय मनोहर आचार्य जी के श्री चरणों में हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ, आशीर्वाद की कामना कर रहा हूँ। आइए यहाँ से जवाबी का सिलसिला शुरू हो रहा है। पानी ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, प्रभु ये माला जो आप धारण किए हो ये माला है किसकी, कौन है? तो भगवान भोलेनाथ ने जवाब दिया, हे भवानी, जितनी बार आपने ये तन त्यागा है, जितनी बार आपने तन त्यागा है उतनी ही बार मैंने उन मुंडों को, आपके मुंडों को इस माला में पिरोया है। उन मुंडों की माला मैं अपने गले में धारण करता हूं। अब भगवान भोलेनाथ ने माता भवानी से सवाल किया कि भवानी आपने पूछा, मैंने बता दिया, लेकिन आपके गले में जो ये माला है ये मेरी समझ से बाहर है। माला बताओ कैसी माला है? तो माता भवानी ने कहा, प्रभु आप भूले कहा अग्नि कुंड में जल गई, फिर आपने किया क्या? क्या मेरे मृत शरीर को, मेरे मृत शरीर को आपने अपने कंधे पर रखा और किया क्या? क्या क्या अरे कंधे पे रख के भी मैं सकल बल, कंधे पे रख के भी मैं सकल बल, बन ही नहीं भूम सृष्टि पाप। जब भगवान श्री हरि ने देखा, भगवान श्री हरि ने आपको देखा कि आप मेरे मृत शरीर को अपने कंधों पर धारण किए हुए हो, तो पापन हरि ने इन टुकड़े इक्यावन, पावन हरि ने इन टुकड़े इक्यावन और इक्यावन शक्ति पीठ बन गए मन। रही बात माला की स्वामी, दादा सुनेगा, रही बात माला की, तो जहां जहां मेरा एक अंग गिरा, कटा हुआ एक अंग गिरा, वहां एक शक्ति पीठ बना, वही वर्णों से वर्णों का एक अक्षर निकलता गया। क्या बात, वर्णों का जो वर्ण माला होती है उस वर्ण माला का एक शक्ति पीठ से एक अक्षर निकलता गया। जैसे कि पहला भाग गिरा, पहला शक्ति पीठ बना और पहला वर्ण निकला छोटा आ, दूसरा भाग गिरा, दूसरा शक्ति पीठ बना और वर्ण माला का अक्षर निकला बड़ा आ। आ से और यहां तक की जो वर्ण माला है क्यों क्यों शक्ति पीठ से क्यों वर्ण माला के अक्षर निकले हैं, सुनेगा इक्यावन शक्ति पीठ जैसे कि कोई पानी का एक सरोवर है, कुआं है जो काफी गहरा भरा हुआ
देखेंगे तो आपको या तो नीला या काला नजर आएगा, वो पानी या तो नीला दिखेगा या काला दिखेगा, जबकि वो ना नीला है ना काला है। इसलिए माता भवानी ने कहा प्रभु आपको केवल मैं काली दिख रही हूँ, वो नहीं सुनिए नहीं जब होती अधिकता, अरे अधिकता में नहीं वास्तविकता, अधिकता में दिखती नहीं वास्तविकता। मैंने कुछ धारण किया नीला पड़ गया, लेकिन भवानी बात मेरे दिमाग से मेरे परे है, समझ से परे है कि आपका संपूर्ण शरीर काला है, संपूर्ण तन काला है, लेकिन ये जिभ्या लाल क्यों है? ये जिभ्या काली सी काया में है, तब तब से ही दुष्टों पर मनता है मातम, और मातम से फिर है उपजता महातम, मातम से फिर है उपजता महातम, महातम को दीपक मातम, बहुत अच्छे। अरे महातम को नाको माती, जो मेरे पुत्र हैं, जो मेरे पुत्र हैं लालों को माती, ये जो बात काली है, बच्चों के लिए माती जुबान कभी काली हो नहीं सकती है, इसलिए लालों को माती, अरे लालों को माती जुबान लाली है, नहीं हो सकती माती जुबान काली है, हो सकती माती जुबान काली है, काल की भी ये काल आएगा तेरे लिए मेरे वतन, भी देने का हम है, सोचन भी तेरे लिए कुर्बान कर देंगे। बात है अभी आपने सबने सुना है, आतंकवादियों ने जो पुलवामा में एक बहुत बड़ा विस्फोट किया जिसमें हमारे कई सैनिक शहीद हुए, भारतीय नागरिक के हर नागरिक की आंखों में आंसू, देखिए हमारी सब तक करेंगे तो सुमन के तीखे बार ऐसे कब तक सहेंगे, हर रोज नई केस पर वो घटना घटाते निर्दोष प्राणियों का वो बलिदान, जवाब देंगे बात जुनून की हो, बहुत बढ़िया, अब तो जवाब देंगे बात जुनून की हो, तुझसे तो देना चाहूंगा, आतंक का तू कितना जहर फूंक रहा है, अरे हिंदू को छोड़ो मुस्लिम तुझ पे फूंक रहा, समझ में आएगा उस दुगले से कान
पहुंच गया तो सुने आदरणीय संतोष दादा बैठे हैं, वर्ष आशीर्वाद मिले कहा है। वास्तव में ऐसे पावन प्रांगण में जिसको भी बोलने का अवसर मिल जाए वो धन्य हो जाए। ऐसे महान मूर्तियों के सामने कि वक्त पर काम में जो आए वाह करिए चौथी पंक्ति पर तालियां बजाना दम से कि वक्त पर काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं। और एक भारत विश्व गुरु अपना अलग स्थान कहते हैं कि जहां पर देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं कि जहां पर देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं अरे उसी पावन भरा को लोग हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा आदरणीय संतोष दादा, आपका स्वागत है। स्वागत वरिष्ठ पत्रकार, आपका हृदय से नमन व स्वागत है। Yeah.
हर जवाहर भारती का हर तक हर जवाहर ठीक है जाने नहीं और कौन से नहीं भाई तीखा बोला हर जवाहर शुरू करते हैं आवाज हमारी शुरू हट रहा है इसको बराबर करने की जिम्मेदारी राजीव बाबू आपकी है अशोक भैया के बराबर लेवल लाए ये जिम्मेदारी आपकी हमारी नहीं है क्या माता रानी की है हर जवाहर भारती का युद्ध लड़ने जाएगा अभिनंदन का अभिनंदन कर अभिनंदन कर पाएगा हर जवाहर भारती का युद्ध लड़ने जाएगा अभिनंदन कर अभिनंदन का अभिनंदन कर पाएगा भैया आ गया चंद्रा जी आ गया कौन वाह आ आ ई ओ ओ ए ओ ओ
चादर पे डमरू से निकले हुए चंदा सुतों से है हिंदी वर्णमाला का प्रादुर्भाव हुआ अपना अरमान है आप बात हो सकता सही हो लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है तो भगवान शंकर के सूत से भगवान शंकर के डमरू से 14 सूत निकले 19 सूत्रों से हिंदी वर्णमाला के समस्त अक्षरों का प्रादुर्भाव ऐसा पढ़ने में आता है तो अक्षरों से कथा हम तो निराली है।
बताए मेले में आए सभी भक्तों ने कहा राकेश भैया कर्ण ने कहा धर्मराज से भूख लगी है धर्मराज ने सोने का व्यंजन सोने के व्यंजन दे दिया बोले प्यास लगी है सोने का पानी दे दिया कर्ण ने कहा ऐसा क्यों बोले आपने अन्न का दान ही नहीं किया सोने का दान किया Yeah!
पानी के धारा सुहानी पानी को धरती धरती बोलो पानी पानी के ऊपर पानी पानी के धारा सुहानी धरती के ऊपर देखो गिरिवर कैलाश निशान पानी के ऊपर पानी पानी पे धरा सुहानी धरती के ऊपर देखो गिरिवर कैलाश निशानी और गिरी पे शिव और धरानी आनंद आ जाना ना भैया ताली बजा देना पानी के ऊपर पानी पानी पे धरा सुहानी धरती के ऊपर देखो